हेलो दोस्तों, राम राम। राम राम दोस्तों। पिछला वीडियो तो आपने देखा ही था, ये है बेसन के गट्टे। इनको कैसे बनाते हैं ये हमने आपको पिछले वीडियो के अंदर बता दिया है। ये बेसन के गट्टे जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताए थे, उसी तरह से बना करके आप महीने, दो महीने, तीन महीने तक अपने घर में किसी डिब्बे में बंद करके रख सकते हैं और जब चाहे उनकी सब्जी बना सकते हैं। सब्जी कैसे बनाते हैं इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे। अभी इन गट्टों की सब्जी बना के बताएंगे। इनको पहले क्या करेंगे, सबसे पहले उबालेंगे पानी में। ठीक है, ये पानी गर्म, क्योंकि ये गट्टे सब्जी जिस दिन आप बनाएंगे उस दिन जितने गट्टे आपको लेने हैं लेकर के उबलते हुए पानी में डाल करके कुछ देर तक उबालने हैं। नहीं चालू को नहीं तो यार, मतलब जब चालू है ये ग्रेवी बनाने के लिए प्याज है, टमाटर है, हरी मिर्च, ये सब काट के इसमें डाल के मिक्स करेंगे मिक्सी में। और लहसुन है, इन इं करके बच्चे इन्हें इं कर ले, इं कर लहसुन सोलो सोली से इं। अच्छा, ये आसान टेक्निक है। हाँ आसान, ये ठीक होता है, आसान चीज़। ये तो पूरा भर लिया, मिक्सी में चलेगा कैसे? ढक्कन लगा के दूसरी बार में टमाटर कर शो, पहले मैं वो करके ले। ये 7-8 मिनट उबाल लिए और ये अब एकदम तैयार है। एकदम मतलब पूरी तरह से इसको नहीं उबालना है, थोड़े थोड़े ऐसे पक्के ही रखना है। थोड़ी देर ये सब्जी में पकेंगे। अभी इसको नीचा उतारे, ये उबल गए तो इसको पानी के अंदर से निकाल के रखना है। पानी के अंदर रहेंगे तो ये गल जाएंगे। और ये पानी है ये सब्जी बनाने के लिए काम में लेना है, फेंकना नहीं है। ठीक है। हाँ आज मैं एक लिखा सी, आज मैं एक लिखा सी। प्याज और टमाटर दोनों साथ में भी इसमें पीस सकते हैं, लेकिन हम सब्जी ज्यादा बना रहे हैं तो दो बार में कर रहे हैं प्याज और टमाटर। और ये थोड़े से ऐसे कटे हुए बारीक बारीक कटे हुए प्याज रखे हैं और ये हरी मिर्च भी काट के ही रखेंगे इसके साथ में। अभी तड़का चढ़ा रहे हैं। ये तेल तो मुझे उस दिन वाला ही लग रहा है जिसमें वो बनाए थे गट्टे, वही है क्योंकि इसके अंदर ये दाना पड़ा है ना, दाना पड़ा है, गट्टे बनाए थे वही है। ये लहसुन एकदम बारीक बारीक कूट लिया, अब इसके अंदर सब मसाले मिक्स करूंगी। ये तो एक बार कल भी डाले थे इन गट्टों के अंदर, तो डाले थे ना? हाँ, गट्टों के अंदर भी डलता है और सब्जी के अंदर भी पूरे। हाँ, मिर्ची, हल्दी, धनिया, नमक जो सब्जी में डालते हैं वो सब मसाले इसमें डाल लिए।
और अब ये थोड़े से मिक्स करूँ। ये प्याज के जूस के साथ मिक्स करना है क्या? तो प्याज का जूस ले लो या टमाटर का ले लो। ये मसाले ऐसे इसके अंदर कर लेते हैं तो जलते नहीं है, सूखे डालते हैं तो कई बार ऐसे होता है कि आंच तेज होती है तो जल जाती है। ऐसी सब्जी में टेस्ट अच्छा होता है। हाँ तैयार है। सबसे पहले इसमें मिर्ची है छोटी छोटी काटी हुई और इसमें नीचे एक बारीक कटा हुआ प्याज भी है। प्याज और मिर्ची ये सबसे पहले तड़के में डाल रही हूँ। प्याज और मिर्ची थोड़े से फ्राई हो गए और अब इसके अंदर ये लहसुन और मसाले डाल रही हूँ। और अब ये प्याज डालने के बाद प्याज को थोड़ी देर पकाना है, उसके बाद है ये पीसे हुए टमाटर डालने हैं। पीसे हुए प्याज थे और पीसे हुए टमाटर है, इनसे ग्रेवी अच्छी बनती है पीसे हुए होते हैं तो। अगर छोटे 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 काट के डाले तो भी बन जाती है, लेकिन पीस के बनाते हैं तो ग्रेवी ज़्यादा अच्छी बनती है। इतने से दही से क्या होगा? फुल है, फुल है। दही और ला? लग रहा है ना कम तो लग रहा है, थोड़ा सा नहीं, थोड़ा सा कम है, थोड़ा और ले। इतना और डाल? हाँ इतना और डाल दो, चल जाएगी, अब चल जाएगी। एक बात बताऊं दोस्तों मैं आपको, ये जो सब्जी है जब आप खाएंगे तब आपको पता नहीं चलेगा, इतनी स्वाद होगी कि आप खाते जाएंगे मेरी तरह। खाने के बाद में आपको ऐसे पता चलेगा कि अरे मैंने ज़्यादा खा ली, क्योंकि बेसन जो गट्टे जो अंदर जाके थोड़ी सी फूलेंगे, है ना, तो बाद में ऐसे लगेगा, मतलब इतनी स्वादिष्ट होती है। तो इसके अंदर जो झोल होता है, आप पता नहीं इसको क्या बोलते होंगे, जो ग्रेवी होती है, ये थोड़ा लिक्विड ज़्यादा रहना चाहिए, जिससे क्या होगा आपके खाते टाइम भी ये गट्टे के साथ में स्वाद लगेगा और बाद में भी। सही है, थोड़ा सा ये ज्यादा रहना चाहिए। अगर सूखी सूखी सब्जी होगी ना, सूखी होगी तो ऐसे मतलब ये गट्टे खुद ही अंदर से सूखे 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 तो आप खा नहीं पाओगे। गट्टे उबाले थे वही पानी है, यही पानी सब्जी के अंदर काम में लेना है, इस पानी को फेंकना नहीं है। ये उबला हुआ पानी है ना, ये इसमें पूरा यही डालेंगे, ऊपर से कच्चा पानी नहीं डालेंगे। मैं इसके अंदर ये पानी डाल रही हूँ। इसको एकदम ऐसे पतला पतला ही रखना है, क्योंकि गट्टे उबाले थे उस टाइम पानी सोस लिया, लेकिन फिर भी और सोसेंगे। ये देखो ये इतना पतला पतला कर लिया है। दही डालने के बाद इसके अंदर ये चमचा घुमाते रहना है, क्योंकि नहीं दही फट जाता है। और अब ये उबल गई, अब इसके अंदर गट्टे डालेंगे। अब ये थोड़ी देर पकेगी, उसके बाद एकदम सब्जी तैयार हो जाएगी। 7-8 मिनट इसको पकाना है। आज तो पानी ज्यादा ही रहेगा, जोर से नहीं? ना ज्यादा को नहीं, सही है, सही है, एकदम सही है, सोख लेगा। नहीं बेसन होता है वो खतरनाक बहुत होता है। थोड़ी देर ये पकेगी तो पानी कम हो जाएगा, और उसके बाद में मतलब ठीक ठीक इसके अंदर ये ग्रेवी हो, ऐसे सब्जी को रखना है, क्योंकि रखने के बाद भी ये थोड़ी थोड़ी टाइट हो जाती है।
गैस को जलाने में तो टाइम नहीं लगता है, चूल्हे में टाइम लगता है। तो जिस जब चूल्हा ऐसे होता है इनका जला हुआ है तो फटाफट कर रोटियां भी साथ में बना ही ले। और चूल्हे पे रोटी बनती भी फास्ट है। वाओ, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट हो गए गट्टे, अपने आप ही टूट रहे हैं। मस्त बनी है सब्जी, जबरदस्त है, जबरदस्त बनी है। पूरी पकी हुई है, चेक कर, अपने आप जा रही है। मम्मी ना चेक कर। ये मेरी सबसे पसंदीदा सब्जियों में से एक है जो कि बहुत ही शानदार। आप भी अगर इस तरह से बनाएंगे और खाएंगे तो बस थोड़ा सब्जी में खाते टाइम हम घी डाल लेते हैं तो इससे भी टेस्ट और बढ़ जाता है। मस्त बनी, थोड़ा सा घी डाल लें जो ज़्यादा टेस्टी लगे। अभी देखो गट्टा आसानी से फूट रहा है। अब बता कैसा है सब्जी, यम्मी है? तो दोस्तों आप क्या कर दें, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब फॉलो सब कर दें। तो